दोस्तों खुशखबरी, राहुल द्रविड़ के पॉजिटिव होते ही रातों रात यूएई पहुंचे भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे का टूर खत्म करके अब सीधा अपने आप को जिम्बाब्वे से हटाकर सीधा एशिया कप के लिए यूएई को रवाना कर दिया। लेकिन दोस्तों यूएई रवानगी से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई, जब भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे में उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से सबके मन में सवाल था कि अब भारतीय टीम का कोचिंग डिपार्टमेंट किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट सामने खड़ा है और बड़े कोच के रूप में उभरने वाले राहुल द्रविड़ एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव होकर टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से दोस्तों भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी के दरवाजा खटखटाना पड़ा है। दरअसल दोस्तों कुछ क्रिकेट फैंस हैं जिन्होंने 2011 वाले वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने तर्ज किया। दरअसल दोस्तों 2021 का जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें MS धोनी एज अ मेंटोर गए थे। ऐसे में इस बार भी कोचिंग डिपार्टमेंट में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, इस वजह से फैंस ऐसी मांग कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर भेज दिया जाए ताकि भारतीय टीम को एशिया कप में एक अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिले। अब देखने वाली बात होगी कि BCCI इस बात पर सहमति जता पाती है या फिर नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार मेंटोर बन जाएंगे अगर कोच कोई नहीं रहेगा तो। आपके हिसाब से क्या महेंद्र सिंह धोनी को जाना चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।